आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज़ और इस टाइम सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां योगी सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद किन्नरों में काफ़ी उत्साह है। इससे पहले नालसा जजमेंट आया था, जिसके बाद थर्ड जेंडर फॉर्म को मान्यता मिली थी और फॉर्म में एक नया कॉलम थर्ड जेंडर का आया ट्रांसजेंडरों के लिए। उसके बाद अब जिस तरह से किन्नरों के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने का योगी सरकार ने फैसला लिया और सुझाव मांगा है, इसको लेकर किन्नरों में काफ़ी उत्साह है और उनका कहना है कि इससे उनका भविष्य सही होगा और किन्नर खुद अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे और किन्नरों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं और प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर किन्नरों ने योगी सरकार के इस फैसले पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी हैं और उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम तो हमारे योगी सरकार इस किन्नर वेलफेयर बोर्ड हमारे प्रदेश में लाने जा रहे हैं, इसके लिए मैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार को दिल से आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पूरा किन्नर समाज के तरफ से। बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश में किन्नर वेलफेयर बोर्ड का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और कईयों प्रदेश में किन्नर वेलफेयर बोर्ड बन चुकी है, हमारे प्रदेश में अभी तक किन्नर वेलफेयर बोर्ड बना नहीं और हमारे किन्नर समाज स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी से हमेशा जूझते आया हुआ है। अभी भी मूलभूत आधार में किन्नर समाज मूलभूत सुविधा जिस हम लोग जिस देश के बासिंदा है, जैसे सब नागरिक को सुविधा मिलती है, वो सुविधा हमारे किन्नर समाज को अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और मैं यही अनुरोध करती हूँ कि ये किन्नर वेलफेयर बोर्ड बन जाएगी तो हमारे किन्नर समाज में एक नया उल्लास होगी और जो हम लोग मूलभूत आधार से वंचित है, हम लोग बिल्कुल वो सुविधा हम लोग के समक्ष आएंगे और हम लोग वो सुविधा हासिल कर पाएंगे। और हम ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं 2 साल से किन्नर वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे मैंने कोशिश पहल किया है, मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि के सहयोग से मैंने लेटर पैड में लिख के महासचिव सचिव तक हम लोग ने ये मुद्दा उठाए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं किन्नर पूरा किन्नर समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा किन्नर वेलफेयर बोर्ड बने, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ हमारे प्रदेश सरकार को। और मैं कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर उर्फ टीनामा, जय श्री महाकाल। मैं ये सहमति जताना चाहती हूँ कि ये अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे किन्नरों के बारे में इतना सोचा है कि किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए कि आगे हमें हर चीज़ में हक मिले, आरक्षण मिले, कि ऐसा पहली बार हुआ है। हमें बहुत खुशी है कि हर लिंग के साथ हमें भी जीने का मौका मिलेगा और जो पहले किन्नरों को गिरी नज़र से देखते थे अब वो चीज़ नहीं है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारे बारे में इतना सोचा और आगे सरकार के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। मैं छोटी किन्नर प्रयागराज। मैं कल्याण के लिए, उस पे आपकी क्या अपनी राय है? सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगी तहे दिल से, और जो भी वो हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे गुरु लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर वो किसी तरह से किन्नरों के लेवल को और ऊपर उठाना चाहते हैं तो इससे बढ़ के हम लोगों के समाज के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। और मैं तो बस धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आदित्यनाथ योगी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे किन्नरों के बारे में इतना सोच रहे हैं। पहली बार किसी ने इतना आगे बढ़ के सोचने की चेष्टा की है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा नाम शबनम है और मैं छोटी नायक जी की चेला हूँ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किन्नरों के लिए सोच रही है? मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सरकार आए हैं हमारे और सब कुछ सही हो गया है, ऐसे ही हमारा किन्नर समाज जो है और ऊपर जाए और सुपर हो और हमारे
जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन है कि अब जो किन्नर की जैसे वैल्यू होने लगी है, सब लोग अच्छे से बात करने लगे हैं और होता जाए ऐसे ही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।